छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हरेली को राज्य सरकार एक उत्सव के रूप में मना रही है। इस उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम हाउस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने औजारों की पूजा की। भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रूप से सजे धजे बैलगाड़ी पर सवार होकर साक्षरता तिराहा पहुंचे। उन्होंने यहां जनता को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा और वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के साथ बैलगाड़ी पर सवारी की। मुख्यमंत्री ने हरेली यात्रा का शुभारंभ हल उठाकर किया। हरेली यात्रा के सामने यहां छत्तीसगढ़ी महतारी ने बैलगाड़ी पर सवारी की। वहीं मुख्यमंत्री के बैलगाड़ी के बाद बैलगाड़ियों का कारवां निकला, जिसमें यहां के लोक कलाकार भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली पर्व की परंपरा के अनुसार गेड़ी भी चलाई। सावन जो त्यौहार है और इसे छत्तीसगढ़ में हरेली के रूप में मनाते हैं, और ये त्यौहार में जहां किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा पाठ करते हैं, पशुधन की पूजा करते हैं, बच्चे गेड़ी तैयार करते हैं, गेड़ी चढ़ते हैं, अन्य प्रकार के खेल कूद का आयोजन करते हैं, और वहीं सावन के झूले भी गांव में, चाहे वो बरगद के पेड़ हो, चाहे वो पीपल के पेड़ हो, उसमें झूला डालते हैं, गीत गाते हैं। तो ये सब पहला त्यौहार है और इसके छत्तीसगढ़ के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को बधाई देता हूँ। सावन का मैंने शंकर भगवान का भी महीना है, इनके लिए भी बधाई या शुभकामना। जी हाँ, आज जो गौठान योजना है उसकी शुरुआत भी हम लोग कर रहे हैं और लगभग 500 गौठान आज लोकार्पित किया जाएगा। हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सारे किसान भाई सब लोग इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत बधाई, शुभकामना। पहली सरकार ऐसी है प्रदेश में जो इस तरीके के कार्यक्रम का। देखिए, यहाँ प्रदेश की जनता काफी हर्षित है और इस त्यौहार का भरपूर आनंद उठा रही है। इस त्यौहार के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है, हम सबको अवकाश घोषित किया है हरेली त्यौहार मनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा विधि विधान से होती है, रुद्राभिषेक होता है, सारे आयोजन होते हैं। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।